जिस कमीशन ने, आयोग ने, जस्टिस कृष्णा अय्यर और जस्टिस सावंत, देश के सबसे ऊंचे न्यायमूर्ति ने कमीशन में क्या डिक किया था कि मोदी को किसी हालत में, मोदी शाह को इस देश में किसी भी संवैधानिक पद पर बैठने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, वो उसके लायक नहीं है, और उनके ऊपर मास मर्डर की केस चलानी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन कौन होता है? झूठा है इलेक्शन कमीशन जो कहता है कि ईवीएम मशीन मैनेज नहीं होता। अरे इलेक्शन कमीशन को जब मोदी शाह मैनेज करते हैं तो इलेक्शन कमीशन मशीन कैसे नहीं मैनेज होता? सबके मन में ईवीएम के बारे में शंका है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि ईवीएम मैनेज होता है, मशीन है, डिजिटल मशीन है। और जब ईवीएम मैनेज होता है तो मैंने 100 बार कहा है कि मोदी और शाह जैसे झूठ के पुलिंदे, छल कपटी राजनेता जिनका 10 साल का गुजरात का इतिहास है और 5 साल का देश का पैमाने पर का इतिहास है, मैनेज होने वाला मशीन क्या वो पूजा करेंगे या मैनेज करेंगे? तो मैनेज ही करेंगे। ये मोदी और शाह ये व्यक्ति नहीं है, ये वृत्ति है, ये प्रवृत्ति है। इनके पीछे देश प्रदेश के पूंजीवादी है, ब्राह्मणवादी है, जिनको हमारा भारत देश मुट्ठी में चाहिए। हमने कई बार बोला है कि हमारे देश में कुदरती संपत्ति में हम दुनिया में सबसे आगे है। हमारी सौर ऊर्जा, हमारी विंड ऊर्जा, हमारा पानी, हमारी नदियां, हमारी जमीन सब उपजाऊ है, लेकिन ये सब प्रॉपर्टी हम किसान भाइयों को आह्वान करते हैं, चेतावनी देते हैं कि आप अपने जाति के नेताओं के पीछे मत भागो। मोदी शाह जो आए हैं वो आप कभी जमीन मालिक थे, भारत बदल रहा है, वो जमीन की अपनी आपकी मालिकी ना हक छीनने के लिए आए हैं, उद्योगपति के पास देने के आए हैं। वो क्या करना चाहते हैं? वो आपके मालकीन हक की खेती, जिसको आप सब कहते हैं कि उपरोड़ती नहीं, भाव मिलता नहीं, ये तो उनकी साजिश है कि आप खुद वो खेती छोड़ दे, बेचे, नहीं तो वो तो एक्विजिशन करने को, लैंड एक्विजिशन करने को तैयार है। जो अच्छा कानून एक्विजिशन के बारे में कांग्रेस ने जाते जाते लाया था, अन्न सुरक्षा लाई थी, मनरेगा लाई थी, जिससे हमारे बहुत से लोग खुश थे, वो कानून सब इन्होंने उद्ध्वस्त किए हैं। और इनको यही करना है कि आपको एक एक रोटी को मोहताज करना है। अभी वेनेजुएला का, दुनिया का जो आप देखेंगे क्या चल रहा है, 1 करोड़ को एक थाली, खाने की थाली, ऐसा क्यों हुआ? तो जमीन में जाके काम करने वाले किसान ही नहीं रहे। हमारी खेती कॉरपोरेट सेक्टर ने लेता है, वो क्या करता है? वो वैसी रखता है ना, उसमें कुछ उगाता है ना, उसमें इंडस्ट्री आती है। लाखों एकड़ जमीन हमारी एक्वायर हुई है, उपजाऊ जमीन एक्वायर हुई है, लेकिन उससे कोई पैदाइश नहीं है। क्यों नहीं? तो वो चाहते कि हम सब लोग उनके पाव के तले गिरे। मैंने एक उदाहरण दिया था कि हिटलर ने एक मुर्गा लेके संसद में आया और उसका एक एक पंख पर ऊपर फेंक दिया। वो मुर्गा पीछे पीछे चल रहा था और हिटलर उसको दाने डाल रहा था। वो दाने के लिए हिटलर के पीछे चल रहा था, लेकिन एक एक पर उपटने से वो घायल हो गया और मर गया। यही हालत मोदी शाह हमारे देश के किसानों की कर रही है, मजदूरों की कर रही है। तो ये जो ईवीएम का घोटाला है, इसके पीछे हमारे करोड़पति है, उद्योगपति है। अंबानी की संपत्ति मोदी के कार्यकाल में 3 गुना हो गई है, अदानी की संपत्ति मोदी के कार्यकाल में 5 गुना हो गई है,
हमारे करोड़पति की संख्या मोदी के कार्यकाल में 3 गुना हो गई है और चंद यानी 1% लोगों के हाथ हमारे देश की 73% संपत्ति गई है। तो हम बचे हुए 99% लोगों के हाथ में क्या है? तो ये बहुत गंभीर मामला है। तो हमें ईवीएम की लड़ाई इतनी आवश्यक है कि हमें हमारा अगला इलेक्शन किसी हालत में बैलेट पेपर पे होना चाहिए। इसलिए हम इलेक्शन पर बहिष्कार डाले, हम आज से शपथ ले कि हम इलेक्शन के लिए किसी भी ईवीएम मशीन का बटन नहीं दबाएंगे। देश भर से कंप्लेंट आ रही है, कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं, ईवीएम मैनेज होता है। इसलिए देश के दुनिया के 199 कंट्रीज में से सिर्फ 18 कंट्रीज ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं, बाकी लोगों ने ईवीएम न करा है। जो भी ईवीएम खुद प्रोड्यूस करते हैं, जापान है और कोई देश है, वो खुद ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते, वो अपना इलेक्शन बैलेट पेपर पे लेते हैं। तो हमारे लोगों का क्यों आग्रह है ऐसा कि वो ईवीएम ही चले? और इलेक्शन कमीशन कौन होता है? झूठा है इलेक्शन कमीशन जो कहता है कि ईवीएम मशीन मैनेज नहीं होता। अरे इलेक्शन कमीशन को जब मोदी शाह मैनेज करते हैं तो इलेक्शन कमीशन मशीन कैसे नहीं मैनेज होता? तो जो मैनेज होने वाली चीज है वो तो मैनेज होने वाली है, वो करते हैं। और इसलिए देखो ना, मोदी के इलेक्शन में आखिरी क्या चेहरा हो गया था? सुजन आई थी, दाढ़ी बड़ी थी, मोदी की तरफ हम देख नहीं सकते थे, लेकिन वो झूठा आदमी ईश्वर का नाम लेके बर्फीले प्रदेश में जाके बैठा 4 दिन ध्यान को बैठा। जो इधर घूम के थक गया था फ्रेश हो गया और फिर वापस आया। वो उसकी हर एक्शन, मोदी शाह की हर एक्शन हमारे भोले भाले भारतीयों को मूर्ख बनाती है, और ये मूर्ख हम कितने दिन बनते रहेंगे? इसलिए जो मैंने आंदोलन छेड़ा है, हम सब लोगों ने, सब पार्टियां थी, मैं अकेला नहीं था, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। डेमोक्रेसी में आप सब लोगों की साथ चाहिए, जहां भी आप हो, जैसे भी आप हो। युवाओं को मैं बोलता हूं कि युवा करियर के पीछे मत दौड़ो, देश बड़े खतरे में है, कभी नहीं था इतना खतरा देश को है। तो इसलिए आप लोग जागो, उठो, जहां भी हो सके, हमको देश बचाना है, संविधान को बचाना है, प्रजातंत्र को बचाना है। यदि ये करना है तो ईवीएम को हटाना है। और इसलिए ईवीएम के घोटाले में जो भी उद्योगपति है, देखो ना, अन्ना हजारे का आंदोलन किसने खड़ा किया था? अन्ना हजारे को क्या मालूम था कौन उनको नचा रहा है? ये केजरीवाल कौन था? ये नौटंकी आदमी, इसने क्या किया? अन्ना हजारे को लेके सब देश को मूर्ख बनाया, और वही आइडिया मोदी ने उठाई। मोदी ने 2014 के पहले देश में जो एक्सपर्ट है ईवीएम हैक करने वाले, ईवीएम की मालूमत, उनको बुलाया, गुजरात में उनके साथ मीटिंग ली, और भाना क्या किया कि हम ईवीएम का छेड़छाड़ में बंद करना चाहते हैं, इसलिए मुझे बताओ ईवीएम कैसी छेड़छाड़ होती है। और उन एक्सपर्ट को बाद में बुलाया नहीं, वो बेचारे घर में बैठे उसकी राह देखे। लेकिन छेड़छाड़ कैसी होती है मालूम होने के बाद ईवीएम ने 10-12 लोगों की टीम या हजारों लोगों की टीम अपॉइंट की, ईवीएम में छेड़छाड़ किया। नहीं तो मोदी पीएम होगा, मोदी जैसा गुंडा, खूनी, छलकपटी, मुसलमानों के कत्ल करने वाला, जिस कमीशन ने, आयोग ने, जस्टिस कृष्णा अय्यर और जस्टिस सावंत, देश के सबसे ऊंचे न्यायमूर्ति ने कमीशन में क्या किया था कि मोदी को किसी हालत में, मोदी शाह को इस देश में किसी भी संवैधानिक पद पर बैठने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, वो उसके लायक नहीं है, और उनके ऊपर मास मर्डर की केस चलानी चाहिए। क्या हुआ? रिपोर्ट तो वही के वही रहेगा, जिस पंड्या ने जो कुछ सच बोला उनको इसके बाद में मारा। ये क्या करते हैं कि जो उनको विरोध करते हैं उनको मारते हैं? हमारे न्यायमूर्ति लोहिया का क्या हुआ? उधर सोहराबुद्दीन के हाथ से पंड्या को मारा और बाद में सोहराबुद्दीन को मारा। सब आप पढ़ते नहीं, आप हमारी पोस्ट भी पढ़ते नहीं, इसलिए मैं आप, मेरी कोशिश है आपके पास मैं इस वीडियो के जरिए आपके पास पहुंचूं।
आपसे मेरे दीन की बात बोतु, मैं जो बोलता हूं वो सत्य है, मुझे ना किसी का लाभ की चिंता है, ना किसी पार्टी की चिंता है, ना मेरे ऊपर कौन नाराज होने वाला है उसकी चिंता है, मैं सिर्फ मेरे गरीब गोर गरीब भारतीय बहुजनों के लिए काम करता हूं। जय भारत।